माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, सरकार द्वारा जनजातीय छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधान अनुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालयों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में वर्ष 2022 तक जिन ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बजट घोषणा की गई थी, उन ब्लॉकों में थानागाजी सम्मिलित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की घोषणा करती है वो बात ठीक है, पर थानागाजी ब्लॉक में भी 61 ग्राम मांडा के हैं, बाकी बिखरी हुई जनजातीय क्षेत्र हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो ब्लॉक भारत सरकार की सूची में कैसे जुड़े और यहाँ ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कैसे खुले, ये आप मेरे को बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है संबंधित ब्लॉक में 50% जनजाति की आबादी या उस ब्लॉक में 20,000 से, तो थानागाजी में 19% ही आबादी है, और जब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आगे कोई प्रावधान हो तो उसमें मदद करें। अगला प्रश्न, गोपाल लाल शर्मा, प्रश्न संख्या 54।